से शुरू होगा राजिम कुंभ, जहां माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों लोग पहुंचे राजिम। त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, स्नान कर महानदी और सूर्य देव को कर रहे हैं अर्घ्य अर्पित। आज शाम राजिम कुंभ कल्प का होगा आगाज। और संवाददाता शेख इमरान लाइव जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आज से राजिम कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है, किस तरीके की तैयारियां श्रद्धालुओं में, किस तरीके की आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है? ठंड भी है लेकिन उसका कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डुबकी लगा रहे हैं और बड़े श्रद्धा के साथ लोग पहुंचे हैं। पहले आपको त्रिवेणी संगम दिखा देना चाहता हूं, चित्रकला राजिम का, जहां 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोड़ू का, और यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए सुबह की तादाद, और मुख्य मंच को भव्य सजाया गया है क्योंकि आज शाम को राजिम कुंभ का शुरुआत हो जाएगा। और इस मौके पर देखिए हजारों लोग आस्था में डूबे हुए पहुंचे हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, कितना उत्साह है, डुबकी लगाए आप लोग? बहुत अच्छा लगा, डुबकी लगाए जी। आप क्या कहेंगे आज? हमने 5 बजे से आए थे और यहाँ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पल है और महाभारत प्रकट उत्सव है मांगी पूर्णिमा में। यह मेला मांग पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक चलेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज सुबह सुबह लोग पहुंच रहे हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं।